अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मोहम्मद अलीम और आज हम स्टार्ट करते हैं एमएस वर्ड में लेक्चर नंबर 6। लेक्चर नंबर 6 में हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फीचर्स क्या होती हैं, हाउ टू इंसर्ट डिफरेंट शेप्स एंड उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ शेप्स। तो चलिए चलते हैं आज के अपने लेक्चर की तरफ। इसके लिए मैं एमएस वर्ड ओपन कर लेता हूँ। तो लास्ट टाइम हमने पिक्चर को इंसर्ट करना सीखा था। इंसर्ट पे क्लिक करके पिक्चर पे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास, मैंने यहाँ पे डेस्कटॉप पे पिक्चर रखी हुई थी, मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करना तो ये पिक्चर आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। तो ये देखिए पिक्चर इंसर्ट होने के बाद मूव नहीं हो रही है, मैं इसको मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐप टेक्स्ट पे जाएं, इसको स्केल कर लें तो अब ये पिक्चर ही आपके पास खड़ी हो सकती है पूरे के पूरे। तो लास्ट टाइम पिक्चर को इंसर्ट करना, उसका साइज इंक्रीज डिक्रीज करना और पिक्चर को रोटेट करने का तरीका हमने सीखा था। आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि हम पिक्चर पर डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये देखें, करेक्शन के ऑप्शन है, करेक्शन पे आप क्लिक करें तो आप पिक्चर के कलर को लाइट डार्क वॉट में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्लिक करता हूँ तो ये देखें पिक्चर डार्क ब्लू कलर से लाइट ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट आपके पास पिक्चर का कलर है, पिक्चर का कलर आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर में आ गया, इसके ट्रांसपेरेंसी चेंज होती है। तो ये आप पिक्चर पे डिफरेंट किस्म के इफेक्ट्स आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास आर्टिस्ट इफेक्ट है कि आप इसको शॉर्ट पिक्चर को ब्लर करना चाहते हैं, इसके राइटिंग स्टाइल में, इसके शेप में चेंजिंग लाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें तो पिक्चर उसी फॉर्मेट में आपके पास चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे पिक्चर्स के फ्रेम्स पड़े हुए हैं, यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के फ्रेम्स हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पिक्चर आपकी ओवल शेप में कन्वर्ट हो गई है। तो आप इसको पिक्चर को डिफरेंट किस्म के यहाँ से फ्रेम भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पिक्चर के बॉर्डर का कलर है, यहाँ से आप पिक्चर के बॉर्डर का कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास पिक्चर इफेक्ट हैं, यहाँ देखिए प्रीसेट है। तो आप, मैं इस फॉर्मेट में चाहता हूँ मेरी पिक्चर आ जाए तो ये देखिए पिक्चर इस फॉर्मेट में आ गई है। और डिफरेंट किस्म के यहाँ पे पिक्चर को आप शेडो देना चाहते हैं, क्लिक करें तो आप देखें पिक्चर का शेडो आपके पास आ गया हुआ है। पिक्चर को आप रिफ्लेक्शन देना चाहते हैं तो ये देखें नीचे पिक्चर का रिफ्लेक्शन आपके पास आ गया हुआ है। नेक्स्ट इफेक्ट में जाएं तो ग्लो की ऑप्शन है, इसका बॉर्डर आप देखेंगे, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इसके बॉर्डर का ग्लो जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। पिक्चर के एजिस को आप सॉफ्ट करना चाहते हैं, यहाँ पे ये देखें तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिएगा पिक्चर के एजेस जो है ना वो आपके पास सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद है कि आप पिक्चर की जो फॉर्मेशन है उसको चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए सेंटर से पिक्चर जो है ना वो कर्व बन के ऊपर आ गई है। तो यहाँ से भी आप पिक्चर का इफेक्ट दे सकते हैं, पिक्चर को आप 3D रोटेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पिक्चर को इस फॉर्मेट में रोटेट करना चाहता हूँ तो ये देखिए आपकी पिक्चर जो है तो जिस फॉर्मेट में आप इफेक्ट देंगे उस फॉर्मेट में रोटेट हो चुकी है। उसके बाद रैप टेक्स्ट है, पिक्चर अगर मूव ना कर रही हो तो यहाँ से आप स्केल पे क्लिक करेंगे तो आपकी पिक्चर जो है वो मूव करना शुरू हो जाएगी। पिक्चर को आप क्रॉप करना चाहते हैं, मैं इसको पिक्चर को सिंपल फॉर्म में ले आता हूँ। फॉर्मेट में जाएं, पिक्चर फॉर्मेट में, और यहाँ पे देखें पिक्चर को आप क्रॉप करना चाहते हैं। मैं क्रॉप पे क्लिक करता हूँ, क्रॉप पिक्चर, तो ये देखें आपके पास क्रॉप टूल जो है वो एक्टिव हो चुका है। अब यहाँ से पिक्चर को पकड़ के मैं यहाँ से पकड़ के यहाँ तक और मैं सिर्फ इसी एरिया को रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखें एरिया सेलेक्ट करने के बाद आप कीबोर्ड से एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये देखें आपके पास पिक्चर आपकी क्रॉप हो चुकी है। यहाँ पर ऐप्टेक में जाएँ, इसको स्केल कर लें, आप इसका साइज इंक्रीज करके देखें तो ये देखें पिक्चर जो है वो आपके पास क्रॉप हो चुकी हुई है। तो यहाँ से आप पिक्चर को क्रॉप भी कर सकते हैं। ये आपके पास था बेसिकली पिक्चर का फॉर्मेट, ये पिक्चर को इंसर्ट कैसे करते हैं और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं हम शेप्स की तरफ। इंसर्ट पर क्लिक करें तो पिक्चर के साथ आपके पास ऑनलाइन फीचर्स की ऑप्शन मौजूद है कि आप डायरेक्ट इंटरनेट से पिक्चर्स को पिक करना चाहते हैं, वहाँ से डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन फीचर्स का ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है वह है पिक्चर्स की,
शेप्स की, सॉरी, तो यहाँ पे देखें डिफरेंट किस्म की शेप्स आपके पास अवेलेबल हैं, तो आप उनको यहाँ से देखें शेप पे क्लिक करके और माउस को ड्रैग करके आप ये शेप इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखें शेप, ये सारा का सारा शेप का फॉर्मेट आ गया शेप में। ये देखें यहाँ पे आप डिफरेंट किस्म के जो फॉर्मेट्स हैं वो शेप पे अप्लाई कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के कलर्स हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं, वो आप जिस पे क्लिक करेंगे और अदर थीम पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे और भी काफ़ी सारे थीम्स पड़े हुए हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं। शेप का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप शेप का कलर भी चेंज कर सकते हैं। शेप फिल में जाएँ और यहाँ पे देखें आप पिक्चर पे क्लिक करें तो आप शेप के अंदर एक पिक्चर भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये वाली पिक्चर मेरे पास पड़ी है, मैं इसको शेप में इंसर्ट करना चाहती हूँ, देखें शेप में ये पिक्चर इंसर्ट हो चुकी है। तो उसके बाद शेप फिल में जाएं, आप फिर ग्रेडियंट कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो वो देखें अप्लाई हो जाएगा शेप में। शेप फिल में जाएं, आप कोई टेक्स्चर अप्लाई करना चाहते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के टेक्स्चर यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जो टेक्स्चर आप अप्लाई करना चाहें वो आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह हमने पिक्चर को इफेक्ट दिए थे वो सारे के सारे इफेक्ट यहाँ पे भी अवेलेबल हैं, तो आप कुछ शेप्स को भी उसी तरह के इफेक्ट्स यहाँ से आप दे सकते हैं। उसके बाद अगर शेप के अंदर आपने कोई टेक्स्ट वगैरह टाइप करना है तो राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद ये ऐड टेक्स्ट के यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, ये अंदर देखें कर्सर लिंक होना शुरू हो गया। हमें यहाँ पे डिप्लोमा ऐड कर लेता हूँ, इसको सेलेक्ट करें, इसका साइज इंक्रीज कर दें। अब यहाँ पे देखें जैसे ही मैंने टेक्स्ट राइट किया तो यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो गई हैं, तो यहाँ से आप डिफरेंट किस्म के टेक्स्ट के स्टाइल्स अवेलेबल हैं जो आप यहाँ पे लगाना चाहें वो यहाँ पे टेक्स्ट। अब यहाँ से टेक्स्ट का कलर आप चेंज कर सकते हैं, ये देखें डिफरेंट किस्म के यहाँ पे कलर आपके पास अवेलेबल हैं। यहाँ से आप टेक्स्ट की आउटलाइन अगर डैशेस में लाना चाहते हैं तो ये डैशेस में लाएँ। मैं थोड़ी सी यहाँ से टेक्स्ट आउटलाइन की विड्थ इंक्रीज कर देता हूँ तो आप ये देखिएगा आपका जो टेक्स्ट है वो डैशेस में आ गया है। तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के जो है आपके पास स्टाइल्स हैं आउटलाइन आ गए। तो उसके बाद यहाँ पे टेक्स्ट को आप जो है ना वो ग्लो कर सकते हैं, टेक्स्ट को रिफ्लेक्शन आप दे सकते हैं। ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट की जो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं टेक्स्ट को भी वेल कर सकते हैं जो पीछे हमने पिक्चर्स में और शेप में डिस्कस की है। और टेक्स्ट को आपने रोटेशन फॉर्म में लिखना है तो ये देखें आपके पास टेक्स्ट रोटेशन फॉर्म में यहाँ पे आपके पास आ चुका है। तो सारे के सारे टेक्स्ट की जो है वो आपके पास ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद शेप्स के आप फॉर्मेट में आए तो यहाँ से जैसे पिक्चर को हम इंक्रीज डिक्रीज कर सकते थे इसी तरह हमने ये देखें शेप को भी पकड़ के यहाँ से इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। रोटेट करना है तो यहाँ पे क्लिक करें तो शेप आपकी रोटेट होना स्टार्ट हो सकती है। तो ये डिफरेंट किस्म की शेप्स और उसके इफेक्ट्स हैं कि जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मेरे पास मैं शेप्स में जाऊंगा तो और भी काफ़ी सारी शेप्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जो शेप आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं ये वाली शेप ले लेता हूँ, ये देखिए मैं इसको अप्लाई करता हूँ, अप्लाई करके इसको हेडर के तौर पे आप एक थोड़ी सी शेप इंसर्ट कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर इसको दे देता हूँ और इसका जो आउटलाइन कलर है वो मैं येलो कर देता हूँ और आउटलाइन की फिट थोड़ी सी इंक्रीज कर देता हूँ, ये देखें प्रोमिनेंट हो जाएगा। और आउटलाइन का स्टाइल भी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये देखें ठीक है। अब शेप पे क्लिक करें, राइट क्लिक करके ऐड टेक्स्ट करें। अब यहाँ मैं पहले लिखता हूँ फ्री डिप्लोमा करें, सेलेक्ट ऑल करके इसका साइज इंक्रीज कर दें। तो ये देखें यहाँ पे एक बहुत अच्छा साइज इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से साइज को मैं एरियल ब्लैक कर देता हूँ। तो ये आपके पास एक जबरदस्त हेडर पे अप्लाई हो चुका होगा। तो इस तरह शेप को यूज करके आप अपने डॉक्यूमेंट को जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी, इसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपने गाँव में याद रखिएगा।